हैं, कोई है नहीं इधर, किसको मारूं? क्यों चढ़ाई बड़ी खतरनाक है जितना दिन मैं जा रही हूँ। तो फाइनली हम पहुंच गए जी मरी, तो सामने बर्फ शर्फ पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह निकलते हैं गाड़ी से, तो फिर आप सबको भी दिखाते हैं। सच्ची कह रही, मजाक नहीं कर रही, बात अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीपक की रोशनी एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी मैं उठी, फौरन ब्रश किया, मुंह धोया और आके पहने कपड़े। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि भाई रात को ही शावर ले लिया, ताकि सुबह उठ के फिर शावर लूंगी, फिर सर्दी का मौसम, मेरे बाल जल्दी खुशक नहीं होते। तो खैर वो तो हेयर ड्राई से मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन टाइम फिर काफी जाया हो जाता है, ऐसे घंटा डेढ़ घंटा। तो अभी जल्दी जल्दी रेडी हो गई ये वाले कपड़े पहन के, पहले खड़ी होकर फुल लुक भी दिखाती हूँ। अभी मैंने शूज पहने, शूज पहनने के बाद फुल लुक दिखाऊंगी और आप सब गैस करेंगे, आए हाय गैस कितना करोगे, मेरा भी दिमाग चल्ली होगी, चल्ली मैं ठीक है, मतलब गैस आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ऊपर थंबनेल तो लगा होगा, जहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। तो चले आज जो मैं सैर करने जा रही हूँ, तो आप सब भी मेरे साथ साथ सैर करें, जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया था कि देखेंगे मरी में स्नोफॉल। तो स्नोफॉल तो हो भी रही है और हुई भी पड़ी है, तो वो सब मैं भी इंजॉय करूंगी और आप सब भी मेरे साथ साथ इंजॉय करना। और हम कौन कौन जा रहे हैं फिर आप लोगों को आगे साथ साथ व्लॉग में पता चलेगा। यार मैंने इसका ना वो स्टिक सी लेनी थी, जिसके अंदर ये लगाते हैं ना फोन, थोड़ा सा दूर करके बंदा वीडियो बना सके, और उससे बाजू नहीं थकता, ऐसे वो थोड़ा सा स्टिक में लग जाता है, तो बाजू थोड़ा रिलैक्स रहता है ऐसे नीचे ना, ऊपर उठा उठा के। यकीन करो कल परसों को मेरे यहाँ पे ना पता नहीं क्या हुआ है, इतने हिस्से में सख्त किस्म के दर्द है। मैंने मलवाया भी था, दबाया भी था, तब भी ठीक नहीं। मैंने कहा चलो खैर, मेरा लगता फोन, मुझे लगता है फोन पकड़ने से भी ज्यादा, और मेरे से उठाया नहीं जा रहा फोन। मैं कोशिश करूंगी कि आज अगर मुझे कहीं से स्टिक मिल गई रास्ते में जाते जाते तो मैं ले लूंगी, अगर नहीं मिली तो मरी जाके देखेंगे, उत्थे भी ना मिली तो फिर वापस आके देखेंगे, अगर मैं भुल गई तो फिर कोई गल नहीं, फिर कभी देखांगे, ठीक है। वैसे लेनी तो मैंने जरूरी है, तो खैर बातें होगी काफी, बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करूंगी, निकलते हैं, मिलते हैं। फुल लुक भी मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं रास्ते में जाके खूबसूरत प्लेस पे खूबसूरत लुक दिखाऊंगी। ये वाला सूट मुझे पहना हुआ बड़ा ही प्यारा लगता है, अभी तो पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसका तो बट्टा नहीं मैं लेके जा रही, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मैंने जर्सी वगैरह पहन लेनी है, वहां जाके कोई कोट वगैरह पहन लूंगी, तो शाल जो है मेरी गर्म वो मैं रख लूंगी, तो ऐवे दुपट्टा जरूरी गंदा करना है, बेहतर है कि दुपट्टा ऐसे ही जैसे नए का नया है, प्रेस हुआ है, ऐसे ही पड़ा रहे। तो चले जनाब आए फिर करते हैं सर। तो बिल्कुल जी सामान शमान गाड़ी में रख दिए और मैं भी बिल्कुल रेडी स्टेडी गाड़ी में आके बैठ गई हूँ, बस 2 मिनट बाद निकलने वाली हूँ, वेट कर रही हूँ किसी का। तेनी तेरा रुतबा घटदा के हंस के बुलाने तेरे तो यहाँ से ले रहे हैं जी हम फ्रूट, किन्नू मेरी फेवरेट, बनाना, एप्पल, ये चीजें चीजें हमने कहा ले के जाना, चलते हैं। ले कौन रहा है, बैक साइड से देख लो बाद में लड़ाई हो जाए, मुझे व्लॉग में क्यों लिया? खैर मैंने नहीं लिया, मैं तो फ्रूट की वीडियो बना रही हूँ। बहरहाल मैंने इजाजत ली है, मैंने कहा मैंने व्लॉग बनाना है, उन्होंने कहा बनाओ, अभी मैंने कहा सफर स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी से जो है ना बंदे को नाराज नहीं करना, व्लॉग 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 बना के आगे चल के और राजी कर लेंगे, तो फिर बस ले लेंगे सीधा सीधा व्लॉग में। चौधरी साहब को भी आपको दिखाऊंगी, बैग से पीछे टेंट तकाई है, घूमी तकासा दिखाऊंगी दिखाऊंगी, काफी मेरी बहनें कहती हैं किधर है किधर है, तो साथ ही हैं, साथ ही होते हैं, उनको व्लॉग पसंद नहीं है तो फिर इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, ठीक है। तो चलें खैर अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, आगे चल के मिलते हैं, मरी खूब इंजॉय होने वाली है, स्नोफॉल हो रही है, अल्लाह करे जब हम जाएं तो लाइव हो जाए बस, फिर तो देखेंगे कौन किसको बर्फ ज्यादा मारता है। सामने की लगा
तो व्यूअर्स हम तो एंजॉय करते करते जा रहे थे भाई, म्यूजिक श्यूजिक चल रहा था। मैंने कहा म्यूजिक का शौक है हस्बैंड को भी मुझे भी, तो ऐवे म्यूजिक बंद करके जरूरी उसका मूड खराब करना है, ऐसे भी लोग बना लेते हैं। तो खैर वहाँ वहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी स्पीड लगा दी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वॉइस ओवर कर दिया कि मेरे व्यूअर्स को पता चल जाए कि स्पीड क्यों लगाई है। के करीब पहुंच गए, थोड़ी देर में आपको हैवी स्नो फॉल दिखाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हम पहुंच गए यहाँ, ये कौन सी जगह है इसका मैं नाम भूल गई, बताओ। तो मरी का तो मुझे पता है ये जगह कौन सी है, मैकडॉनल्ड वाली। यहाँ से पानी ले लो, मुझे प्यास लग रही, अंदर से बैठे ही ले लो, उतर के क्या करना, लेना तो पानी है खाली। तो अभी हम पहुंचे यहाँ पर, बस पानी लेना है। पहला खोल दो शीशा, खोल के उसको दे देते हैं। तब भी हम पहुंचे जी, मैं इसका नाम भूल गई, लोरा टोप। मुझे याद नहीं आया, वो सामने लिखा हुआ था, मैंने पढ़ के बताया। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंचे जी, बोले तो बस थोड़ी देर में आगे मरी पहुंच रहे, देखने कहाँ स्नो है कहाँ नहीं। ये जो तो खत्म होगी, ये मोटर में स्नो उठा उठू के ना साइडों पर की हुई है, तो वो भी गंदी हुई पड़ी और खुर खर गई है। आगे चलते नहीं बात, अच्छा चलो जी यहाँ से तो नहीं मिला, आगे चल के देखते हैं। डॉक्टर के पास मरीज आपने नहीं भेजे, मैं जो मरीज हूँ ना, मैं बीमार आपकी वजह से होती हूँ, अंडरस्टैंड। अभी हम पहुंचे जी यहाँ, हाय जबरदस्त, अभी ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि बर्फ तो इधर पड़ी हुई है बेशक,
मैं लिख चली पड़ी है। तो भी हम पहुंच गए जी यहाँ, ये है जीका गली, जीका गली है ना, काफी रश है तरफ। तो मेरे ख्याल में आगे जाके मिलेगी नथिया गली वाली साइड में, पहले हम यहाँ जाते हैं हमारी में, देखते हैं रूम शूम, तो उसके बाद फिर जो है ना स्नो शनो ढूंढेंगे। वैसे चांस है स्नोफॉल होने की, बस लाइव हो तो फिर वो देखें हम, फिर असल मजा आएगा। अच्छा आते नहीं है लोग सड़क से ना खुद पर खुद, कि मतलब कोई गाड़ी आ रही है या आ गई है, हम चाहे तो चले ना सबको देखते हैं ना, तो मोटर से सभी गाड़ी के पास दूंगे उधर से। नहीं नहीं जाने का है, जाएंगे क्योंकि ये साथ ही तो ऊपर होटल है क्या, वो उन्होंने लगाया तो हुआ है लेकिन फिर और कोई रास्ता नहीं ना। तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ, तो इधर अंदर गए हैं रूम का पता करने, तो देखते हैं। और स्नो शो बाहर पड़ी हुई है, ऊपर भी काफी है, तो चलें देखते हैं रूम यहाँ मिलता है कि नहीं। तो फाइनली हम पहुंच गए जी मरी, तो सामने बर्फ शर्फ पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह निकलते हैं गाड़ी से, तो फिर आप सबको भी दिखाते हैं। तो व्यूअर्स फाइनली फाइनली बिल्कुल खूबसूरत प्यारी सी स्नो के पास हम पहुंच चुके हैं, तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो मुझे ठंड नहीं लग रही ठीक है, क्योंकि पीछे आ रहे थे ना, अभी बहुत तेज धूप भी है यहाँ पे और धूप काफी थी, थोड़ा पसीना पसीना आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ निकल के ना जैसे वो बाहर का मौसम होता है ना ऐसे वो हुआ पड़ा ठीक है। नहीं अभी ठीक हूँ वैसे ही, तो मेरा ख्याल थोड़ा टाइम रुक जाए तो फिर शायद सर्दी लगे, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। एक दिल कर रहा है कि यहाँ पे चेयर निकालूं और बैठ जाऊं आराम सुकून से ना, थोड़ा इंजॉय करूं। फिर सोच रही हूँ कि पहले आगे चले जाते हैं रूम देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये सब तो इधर ही है, फिर देखेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। थोड़ी सी बर्फ तो जरा किसी को मार देते हैं, कोई है नहीं इधर, किसको मारू क्यों बस ना हाथ ठंडे करने, खबरदार मुझे मारी तो मैं फिर ज्यादा मारूंगी। अच्छा अपनी मारी लग गई, तो भाई ठीक है, ज्यादा हाथ ही मैं ठंडे करने चाह रही क्योंकि अभी गाड़ी चलानी है, तो देखते हैं आगे क्या सीन है क्या माहौल है। चढ़ाई बड़ी खतरनाक है जितना दिन मैं जा रही हूँ, ये नीचे से आई हूँ गाड़ी लेके, ये देख बिल्कुल चढ़ाई है। चले खैर आगे देखते हैं और भी नज़ारे और आप सबको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ देखो कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, देखें वाइट वाइट खूबसूरत स्नो है यहाँ पर पड़ी हुई है। बस मैं चाहती हूँ कि लाइव हो, उसमें जो है ना थोड़ा सा चिल मारेंगे, ऐसे पड़ी तो नजर आ ही रही है, फिर कहीं पे भी आ रही होती है। और भी वीडियो स्टूडियो में भी मैंने देखी लोगों की ना, खूबसूरत लग रही है भी। तो अच्छा ये रोड इधर मरी तो साफ सुफ कर देते, उधर नारायणगढ़ वाली साइड बंद ही हो रहा था, जबरदस्त क्या चेक करना है यहाँ पे। चलो मैं यहाँ रोकती हूँ, आप पता कर लो मुझे देखो। तो अभी यहाँ पर रूम देखने चले गए, वैसे मुझे तो इधर एक होटल जिसमें हम हमेशा ठहरते हैं ना उसका पता है, 24 आवर गर्म पानी होता है, हीटिंग वाला हीटर अंदर लगा हुआ है ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी न्यू होटलों पर चस्के लेते लेते हम जा रहे हैं, कोई पता नहीं फाइनली वहाँ ही जाके ठहरे, लेकिन चेक करते करते जाते हैं। ये तो वो ऊपर जा रहे, मेरी अभी नजर पड़ी है, अगर इतना ऊपर हुआ तो मैं तो नहीं लूंगी, मैं नहीं सीढ़ियां चढ़ सकती भाई, पहले मुझे इतनी सांस की प्रॉब्लम रहती है, सीढ़ियां चढ़ने वाला रूम तो बिल्कुल भी नहीं मैं लेती, बस ग्राउंड फ्लोर पे हो जहाँ गाड़ी रोके तो साथ ही निकल के अंदर जाए सीढ़ियां ऊपर नीचे, और फिर ऐसी जगह पर आके और रेडी ऑक्सीजन वगैरह की
प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे तो इस चीज की प्रॉब्लम रहती है हमेशा। फ्लू एलर्जी है मुझे, सीढ़ी नहीं मैं चढ़ सकती, फिर सांस उखड़ जाता है ना, फिर जल्दी जल्दी अपने लेवल पे नहीं आता। तो भाई यहाँ पर रूम हमने लिया, ये बहुत ज्यादा सीढ़ियां और बड़ी गंदी सी सीढ़ियां, कि तो मैं स्लिप हो गई तो मैंने चुके का को अल्लाह तुसी का निवास है। ये कितना खूबसूरत बना हुआ है, मैं मेरा बड़ा सारा घर उसके अंदर मैं ऐसे एक जरूर बनाऊंगी ये चीज़ ना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ वहाँ बैठने के लिए आपके साथ, ठीक है। तो ये रास्ता जा रहा है कश्मीर पॉइंट, हम वो नीचे वो जुत्ती जी का गली वहाँ से इंटर हुए थे, अभी जो है ना यहाँ तक पहुँच गए। ये सामने कश्मीर पॉइंट आ गया बिल्कुल बिल्कुल। क्या था कुछ बोलो मुंह से। तो ये है जी कश्मीर पॉइंट सारा, यहाँ से कहते कश्मीर नजर आता है, इधर कश्मीर किधर है जो नजर आता है, यहाँ से तो कश्मीर काफी दूर है। अच्छा अच्छा, जिनकी नजर कमजोर है उनको नजर आता है, मेरी नजर ज्यादा कमजोर है मुझे नजर नहीं आएगा। हाँ नीचे चलते हैं इस तरफ ना। हाँ ठीक है, तो ये है जी हमारा रूम, रूम हमने ले लिए फाइनली। ये बेड साफ सुथरा सा, इधर सीट्स हैं दो बैठने के लिए, सामने अलमारी है कपड़े शपड़े रखने के लिए, और ये हीटिंग वाला हीटर है यहाँ पे, एलसीडी लगी है, फैन भी लगा है, यहाँ पर टेबल है, ये सामने दो सीट्स हैं बैठने के लिए, और बाहर ये टेरेस जो है ना बहुत खूबसूरत, और धूप और पूरी मरी का यहाँ से आप व्यू करेंगे। देखें टेरेस हमने खोला है और मैं बिल्कुल यहाँ पर धूप में कहाँ बैठी दिखाती हूँ, बिल्कुल यहाँ पर धूप में मैं बैठी, एक ये प्लास्टिक वाली चेयर है इस तरफ रख के, दो सीट उस तरफ है, एक और भी देंगे बाई टेरेस में रख के बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा धूप बहुत मज़े की लग रही है, ठंडी ठंडी हवा है और साथ धूप है, तो उसकी वजह से ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो भाई मैं तो यहाँ पर बैठ के मतलब सामने मेरे उधर बर्फ़ पड़ी हुई है और मैं धूप और बर्फ़ वाली हवाएं आ रही हैं, तो बहुत ही सुकून है, बड़ा ही लेवल का मज़ा है। अभी फ़िलहाल यहाँ थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, रात पूरी मैं सोई नहीं, खबरें देखती रही हूँ क्या बना, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो देखती रही हूँ। सुबह सुबह हम इधर निकल आए हैं, अभी थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, उसके बाद कहीं बाहर निकलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स मुझे लगता है कि व्लॉग तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो बेहतर है कि इसको यहाँ पर करूँ एंड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो है, अभी मरी में ही दो तीन दिन, आगे नथिया गली भी जाएँगे, यूबिया भी जाएँगे, इधर उधर सारा घूमेंगे और आप सबको भी घुमाए फिराएँगे। तो इसको मैं यहाँ पे करती हूँ एंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मुझे दें इजाज़त इस खूबसूरत व्यू के साथ। बाय, ये देखिए मेरे रूम से पूरा मरी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चले रूम बताते चलो, ये हमने मेहरान होटल में ठहरे हैं, थोड़ा सा मैंने किधर करूँ नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे सामने पड़ी, मेहरान होटल में ठहरे हैं, अक्सर हम यहाँ पर ही ठहरते हैं, इनके रूम भी अच्छे होते हैं, 24 आवर गर्म पानी होता है, फिर ये हीटिंग सिस्टम, ये जो ये देखें पीछे ये जो हीटर लगा हुआ ना, तो सुकून होता है यहाँ पे, और व्यू भी गैलरी शैलरी ये वो अच्छा होता है, और फैमिली वाले फैमिली का यहाँ पे सब फैमिलियाँ यहाँ पे ठहरी होती हैं, तो अच्छा होटल है, अगर को आके ठहरना चाहे तो ठहर सकते हैं, रेंट मुनासिब है, 5-6 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार मुख्तलिफ, बड़ा रूम है छोटा रूम है, 3 बेड हैं 4 बेड वाला है, उसके मुताबिक फिर सीज़न पर भी डिपेंड करता है, मरी में ना सीज़न वगैरह होता है तो रेंट बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।